पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ऑल इंडिया NACA ग्रेड MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक BTech BCA MCA BBA MBA होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA BSc BCom MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौगड़िया 9534338689 78569142316206224713। नमस्कार, मैं हूं नीति झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। भागलपुर में 500 से अधिक कर्मियों के वेतन रोकने का आदेश। प्रशिक्षण कार्य में हिस्सा नहीं लेने वाले 500 से अधिक कर्मियों का वेतन रोक दिया गया है। ये कर्मी द्वितीय चरण में हुए प्रशिक्षण कार्य में हिस्सा नहीं लिए थे। प्रशिक्षण कोषांग को नोडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार पांडे ने कहा है कि जो भी कर्मी प्रशिक्षण को लेकर लापरवाही बरते उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। दरभंगा में इस मोहल्ले में नेताओं का प्रवेश वर्जित, लोगों ने आना मना है का लगाया पोस्टर। गांधीनगर कटरिया मोहल्ले के लोगों ने नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। इस मामले को लेकर मोहल्ला के मुख्य द्वार के पास बैनर पोस्टर लगाकर नेताओं को अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया है। पिछले 20 सालों से जलजमाव की समस्या को झेलते लोगों का अब सब्र का बांध टूट गया है। लोगों ने तो इस बार वोट बहिष्कार का भी निर्णय रखा है। मोहल्ला वासी कहते हैं कि यहाँ के पार्टियों और नेताओं ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। 10 साल से शिलान्यास हो चुके नाला निर्माण अब तक सिर्फ 250 मीटर के करीब ही किया गया है, जबकि 3 किलोमीटर के इस नाले का निर्माण का राशि भी 9 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ कर दिया गया था। मनु महाराज ने नक्सलियों पर कसा नकेल, बड़ी कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुंगेर में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां पुलिस लगातार नक्सली और अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है, वहीं विधानसभा चुनाव में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए नक्सली भी अपनी मूवमेंट बनाए हुए हैं। रविशंकर प्रसाद का हेलीकॉप्टर तार से टकराया, बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री। पटना में रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री का हेलीकॉप्टर तार से टकरा गया। चुनावी सभा से पटना लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। उसके साथ ही अन्य मंत्री भी मौजूद थे। हालांकि किसी प्रकार के हताहत की कोई सूचना सामने नहीं आई। आर्म्स डीलरों पर पुलिस की कार्रवाई, भारी मात्रा में हथियार बरामद। विधानसभा चुनाव आते ही एक बार फिर मुंगेर में हथियार तस्कर सक्रिय हो गए हैं। वहीं पुलिस भी हथियार तस्करों और हथियार निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंगेर SP लिपि सिंह ने छापेमारी कर टीवी टावर पर हथियार तस्करों द्वारा छुपाए गए भारी मात्रा में हथियार को बरामद किया है। पुलिस टीम और स्पेशल सेल द्वारा की गई छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में जमीन के अंदर और दीवारों में छुपाए गए हथियारों को बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद ली, जो चप्पे चप्पे पर सूंघ कर जमीन के अंदर छुपाए गए हथियारों को निकालने में मदद कर रही थी। जदयू का नीतीश सॉन्ग लॉन्च, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को मचा रहा धमाल। पटना में जनता के सामने खुद को बेहतर प्रतिनिधि बनाने की होड़ सिर्फ सभाओं तक ही सीमित नहीं है। खुद को बेहतर बनाने के लिए इन दिनों नए नए गाने बनाकर राजनीतिक दलों की तरफ से प्रस्तुत की जा रही है। इसी क्रम में अब नीतीश कुमार को लेकर एक नया गाना आ चुका है, जिसमें सोशल मीडिया पर खूब सुना जा रहा है। परखा है जिसको चुनेंगे उसी को लोगों की जुबान पर भी चढ़ने लगा है। राजनीतिक दलों के प्रमुख के बारे में इन गानों के माध्यम से उन्हें बेहतर प्रतिनिधि बनाया जाता है और लगातार एक के बाद एक गाना आने से जनता संगीत का लुत्फ उठा रही है। जन अधिकार पार्टी का अजीबोगरीब कारनामा, एक सीट पर 2 उम्मीदवारों को दिया टिकट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के बीच लगभग सिंबल बांट दिया है। पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बीच बिहार के दरभंगा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ की गौराम विधानसभा सीट पर एक ही पार्टी से दो नेताओं ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों नेताओं को पार्टी की ओर से सिंबल भी दिया गया है। पटना एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर हादसा की जांच जारी, सीसीटीवी से खुलेगा राज, कार्रवाई की लटकी तलवार। बिहार 20 चुनाव में प्रचार के लिए पटना एयरपोर्ट से हर दिन हेलीकॉप्टरों की उड़ान जारी है। सबसे अधिक बीजेपी चुनावी प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर रही है। हेलीकॉप्टर की बढ़ी उड़ान को लेकर एयरपोर्ट के अधिकारियों के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी भी स्टेट हैंगर पर नजर रखे हुए हैं। शनिवार को केंद्रीय मंत्री का हेलीकॉप्टर पार्किंग के लिए जाते समय तार से टकरा गया, जिसके बाद जांच शुरू हो गई है। बिहार में कोरोना के फिर मिले 1152 नए मरीज, पटना में नए मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। बिहार में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले पा रहा। आए दिन हजारों की संख्या से अधिक कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी करते हुए उनके अनुसार राज्य में कोरोना के 1152 नए मरीज मिले हैं। बिहार के एक आईपीएस अधिकारी की कोरोना से मौत, पूर्णिया आईजी के पद पर थे पदस्थापित। बिहार के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की कोरोना से मौत हो गई है। वे कई दिनों से पटना एम्स में भर्ती थे, जहां बीती रात उन्होंने अंतिम सांस ली। 2 दिनों से उनकी स्थिति अधिक खराब होने के कारण वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था। जानकारी के अनुसार बीती देर रात उनका निधन हो गया। आईपीएस अधिकारी विनोद कुमार वर्तमान में पूर्णिया के आईजी के पद पर पदस्थापित थे। बता दें कि बिहार सरकार ने 13 अगस्त 2019 को विनोद कुमार को पूर्णिया आईजी के पद पर स्थापित किया था।